नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मार्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नैलोक्सोन इंजेक्शंस के बारे में। दोस्तों एक्चुअली ये इंजेक्शन जो है ओपियाइड एंटागोनिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में देखेंगे इस इंजेक्शंस के बारे में कि ये होती क्या है, इनके यूजेस क्या होते हैं, डोज क्या दी जाती है, किस किस बीमारी में यूज़ होता है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस इत्यादि के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि नैलोक्सोन इंजेक्शंस होते क्या हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नैलोक्सोन इंजेक्शन एक प्रकार की ओपियाइड एंटागोनिस्ट होती है। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के इफेक्ट को रोकने वाला। तो ओपियाइड एंटागोनिस्ट का मतलब ओपियाइड के जितने भी एक्शंस होते हैं उसको रिवर्स कर देता है, उसको रोक देता है। और ये क्या करता है कि एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव ओपियाइड रिसेप्टर्स है, ऐसे एक्चुअली इसका जो एक्शन होता है एज अ कॉम्पिटिटिव ओपियाइड रिसेप्टर्स होता है। कहने का मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि ओपियाइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर जाके जुड़ जाता है या उस पर ओपियाइड्स को जुड़ने नहीं देता है। एक्चुअली अगर आप कहेंगे तो हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे एज अ रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, पर अभी क्योंकि हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसे भी कह सकते हैं कि जो नैलोक्सोन्स होता है वो हर प्रकार के ओपियाइड मेडिसिंस पे काम करता है, चाहे वो इंडोजिनस हो या एक्सोजिनस हो। और इसका काम यह होता है कि ओपियाइड के जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, उनको रिवर्स कर देता है। जैसे कि बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लाइक एनाल्जेसिया का इफेक्ट हो सकता है, मतलब दर्द को कम करने का। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन मेनली होता है। तो खास करके एक्चुअली मैं बताऊं तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए नैलोक्सोन यूज किया जाता है। एक्चुअली अगर हम यहाँ पे कुछ देखें नैलोक्सोन इंजेक्शंस के कुछ ब्रांड्स के बारे में, तो इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये नैलोक्स के नाम से आता है, और भी एनजॉन के नाम से आता है, और भी बहुत सारे इसके ब्रांड्स हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। हम लोग ब्रांड के बारे में डिस्कस नहीं करते ज़्यादा डिटेल में। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नैलोक्सोन इंजेक्शंस के यूजर्स के बारे में अगर बात करें तो इसका जो यूज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर इसका जो एक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजेस कहाँ पे होते हैं, तो अगर ओपियाइड्स या प्रोपॉक्सीफीन या फिर किसी भी ओपियाइडल मेडिसिन की वजह से अगर वो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हुआ है तो उसको रिवर्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए नैलोक्सोन दिया जाता है पेशेंट में। अगर नियोनेटल में रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है किसी भी ऑब्स्ट्रक्टिव एनाल्जेसिया की वजह से, तो उसकी वजह से अगर है तो यहाँ पर भी रिस्पायरेटरी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए नैलोक्सोन यूज किया जाता है। दोस्तों अगर इसके डोज की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू ओपियाइड या प्रोपॉक्सीफीन की वजह से हुआ है तो उस दशा में क्या किया जाता है कि नैलोक्सोन इंजेक्शन दिया जाता है। 0.242 mg दिया जाता है, IV दिया जाता है, IM या फिर SC दिया जाता है। SC दिया जाएगा तो ये 2 to 3 minutes पर रिपीट किया जाता है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें तो यहाँ पे 0.1 to 0.2 mg की मेडिसिन एक्चुअली इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये डोज आपको बिना आप अपने अच्छे डॉक्टर की सलाह से ना करें, बिना सलाह के ना करें, क्योंकि आप बिना सलाह के करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में अगर हम नियोनेटल रिस्पायरेटरी डिप्रेशन की बात करें तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव एनाल्जेसिया के रिस्पायरेटरी डिप्रेशन को दूर करने के लिए पेशेंट में जो नैलोक्सोन दिया जाता है वो 10 microgram दिया जाता है पर बॉडी वेट, मतलब पर kg बॉडी वेट, IV, IM या SC दिया जाता है। तो किसी ऐसे मतलब अच्छे डॉक्टर के सलाह से ही आप इसको नैलोक्सोन इंजेक्शंस पेशेंट को जितनी डोज में वो कहता है आपको देनी होती है, क्योंकि हर सीवियरिटी के अनुसार उसको चेंज किया जाता है। तो डोज को एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि डोज कितनी दी जाने वाली है। नेक्स्ट हम लोग एवरेज बता देते हैं आपको। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे नैलोक्सोन के कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है नैलोक्सोन से या इसकी प्रकार की किसी भी मेडिसिन से तो आप इसको यूज़ ना करें। एंड पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो इसको यूज नहीं करना चाहिए नैलोक्सोन को। नेक्स्ट अगर हम लोग लास्ट में बात करें इसके कुछ साइड इफेक्ट की कि कौन कौन से साइड इफेक्ट नैलोक्सोन के हो सकते हैं, तो पहले तो नौजिया वोमिटिंग होने की शिकायत होती है एंड एक्सट्रीम हाइपरटेंशन हो सकता है, और इसकी वजह से ही हाइपरटेंशन में रोकते हैं। हाइपरटेंशन है तो आपको नैलोक्सोन नहीं लेना है, क्योंकि ये खुद जो है एक्सट्रीम हाइपरटेंशन जो इसका साइड इफेक्ट है वो काज कर सकता है। अगर आप ओपियाइडल मेडिसिन के एडिक्ट हैं और उसके आप बहुत ज़्यादा थेरापेटिक वैल्यू यूज कर चुके हैं, तो उस टाइम पे जब नैलोक्सोन आपको दिया जाएगा तो हाइपरटेंशन आपको हो सकता है। तो इसलिए आप जो है इसको
यूज़ ना करें अगर आपको हाइपरटेंशन है, और अगर हाइपरटेंशन थोड़ा बहुत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपी अगर आपका बढ़ता है तो इसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसका साइड इफ़ेक्ट में ये चीज़ें हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब आपको मिलना चाहिए अपने डॉक्टर से, और बिना आप जानकारी के ये सारी मेडिसिन यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में।